गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पूजा कुमारी फ्रॉम नाथ पब्लिक स्कूल। आज हम लोग क्लास 3 का इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश चैप्टर 1, आई टुक अ सेल्फी। ये एक पोएम है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पोएम को समझे थे और वर्ड मीनिंग्स भी लिखे थे। और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपना इंग्लिश का बुक खोल लीजिए, बुक में पेज नंबर 10 सब लोग निकालेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड द पोएट ट्राई टू डू व्हेन ही वाज अलोन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कवि अकेला था तब उसने क्या करने का कोशिश किया था। तो हम लोग यहाँ आंसर जानते हैं, तो हम लोग लिखेंगे द पोएट ट्राई टू टेक अ सेल्फी व्हेन ही वाज अलोन। पोएट ने क्या करने का कोशिश किया था जब वो अकेला था, वो अपना सेल्फी स्वयं की एक फोटो लेने का कोशिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पोएट ट्राइड टू टेक अ फोटोग्राफ यूजिंग हिज लैपटॉप। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जब पोएट कभी लैपटॉप का यूज करके, अपने लैपटॉप का यूज करके एक फोटोग्राफ लेने का कोशिश किया, तब क्या हुआ। तो क्या हुआ था इसमें, पोएट स्नैप्ड द लैपटॉप एंड बस्टेड द कंप्यूटर। क्या हुआ, जब पोएट अपना लैपटॉप का यूज करके फोटोग्राफ लेने का कोशिश किया था, तब क्या हुआ, पोएट ने अपने लैपटॉप को झड़क दिया और कंप्यूटर को तोड़ दिया, क्योंकि उसका फोटो अच्छा नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 11 पर आप लोग आइए, सबसे ऊपर में जो है थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, हुज आईपैड हैज बीन मेंशनड इन द पोएम। पोएम में किसके आईपैड का जिक्र किया गया है, मेंशन मींस जिक्र करना, पोएम में किसके आईपैड का जिक्र किया गया है। तो यहां होगा मदर्स आईपैड हैज बीन मेंशन इन द पोएम। पोएम में किसके आईपैड का मेंशन किया गया है, किसके आईपैड का जिक्र किया गया है, माँ के आईपैड का। पोएम में माँ के आईपैड का जिक्र किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग पेज नंबर 11 पर आइए। जो फोर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, इन द पोएम द पोएट विशेस टू बी। पोएम में पोएट क्या विश करता है, उसको कैसा लगता है, वो क्या विश करता है कि वो कैसा है। तो पोएम में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोएट कैसा विश करता है कि वो क्यूट है, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यूटर, इंटेलिजेंट, वाइजर एंड फैटर। तो आप लोगों को इसमें टिक लगाना है क्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर ही वाज सक्सेसफुल इन टेकिंग अ सेल्फी। पोएट ने, कवि ने क्या किया
जब वो एक सेल्फी लेने में कामयाब हो गया जब पोएट एक सेल्फी लेने में कामयाब हो गया उसके बाद उसने क्या किया? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द पोएट पोस्टेड इट ऑनलाइन आफ्टर ही वाज सक्सेसफुल इन टेकिंग अ सेल्फी। पोएट क्या करता है? उस सेल्फी को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। सेल्फी लेने में कामयाब होने के बाद पोएट जो सेल्फी रहता है उसको ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। ठीक, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो सिक्स क्वेश्चन है उसमें लिखा है, क्वेश्चन में है सजेस्ट अनदर टाइटल फॉर द पोएम सेल्फी। ये जो पोएम है सेल्फी उसका कोई दूसरा टाइटल उसका कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। तो इसका दूसरा शीर्षक हम लिख सकते हैं द वर्स्ट सेल्फी मीन्स सबसे खराब सेल्फी। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है आपके कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में सुंदर राइटिंग में बना लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।